हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पेप की इस नई क्लास में। और आज हम कबीर दास जी की जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कबीर दास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनके साहित्य में स्थान आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय से। संत कबीर दास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में हिंदी साहित्य को अनेक पद और दोहे समर्पित किए हैं, जिनके लिए यह संसार सदैव आपका ऋणी रहेगा। कबीर दास जी के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आपका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, परंतु आपके जन्म स्थान के विषय में 3 स्थानों के नाम विद्वानों ने बताए हैं। पहला काशी, दूसरा मगहर और तीसरा आजमगढ़। अधिकतर विद्वानों के अनुसार आपका जन्म स्थान काशी है और आपका जन्म एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था, परंतु लोकलाज और समाज के भय से आपको काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया गया था। तालाब के निकट से आपको नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उठाया था और आपका पालन पोषण किया था। उन्होंने ही आपका नाम कबीर रखा था। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था, आपके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीर दास जी में बचपन से ही हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के संस्कार विद्यमान थे और इसी कारणवश दोनों ही संप्रदायों के लोगों में आपका विशेष स्थान था। आपके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इन्हीं से आपने गुरु मंत्र लिया था, जिसके बाद कबीर दास जी महात्मा बने थे। कबीर दास जी की मृत्यु। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम समय में आप काशी से मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आपके जन्म के संबंध में अनेक मत हैं, उसी प्रकार कबीर दास जी की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित हैं। अनंत दास जी के अनुसार आपकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी और आपका जीवन काल लगभग 120 वर्षों का था। कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में आइए दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीर दास जी की शिक्षा के बारे में यह मत है कि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आप अनपढ़ थे। आपने अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया था। आपकी रचनाओं को धर्मदास जी ने संग्रहित किया था और इस संग्रहण को बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। पहला साखी। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का विकृत रूप है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा शबद। शबद में कबीर दास जी के गेय पद संग्रहित किए गए हैं। शबद में पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। तीसरा है रमैनी। रमैनी चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें संत कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। दोस्तों, आइए कबीर दास जी की भाषा एवं शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी की भाषा मिलीजुली है और आपकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। आपकी भाषा में ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, जिसमें फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, ब्रज आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता आपकी शैली की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम हिंदी साहित्य जगत के महान कवियों की जीवनी और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप ISSC बैंक से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।